हाईवे से गुजरने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी है सर। हर एक गाड़ी को चेक कर रहा हूँ। यस सर, कोई भी गाड़ी हमसे बचकर नहीं जा सकती सर। ओके सर, मैं आपको रिपोर्ट करता रहूंगा सर। सर बोल भाई, कहाँ हो भाई? नाइस रोड पे हूँ, बोलना भाई। मैटर बहुत सीरियस हो गया है, इनकाउंटर का ऑर्डर दिया है, पुलिस वाले और राजप्पा के लोग आपको ढूंढ रहे हैं भाई, आप जरा सावधान रहना भाई। ओके यहाँ किस लिए आए हो? आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं भाई। हम 5 टीम बनाकर आए हैं, जिस टीम पर आपको भरोसा है आप उसी के साथ चले जाइए भाई। इतने दिनों तक अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़े हो, अब तक तुम लोगों ने बहुत सी कुर्बानी दी। ये मेरा प्रॉब्लम है, इसे मैं ही सॉल्व करूंगा। तुम लोग निकलो यहाँ से। भाई, भाई, भाई से क्या? निकलो निकलो, चलो। ठीक है भाई, चलो चलो चलते। मैं शिवा बोल रहा हूँ। मैंने कितनी बार मना किया था। तुझे कुछ पता भी है कि वो लोग कितने कमीने हैं? हम दोनों को गुंडे के नाम की मोहर लगाकर हमारा जीना हराम कर दिया, इसलिए उनका ऐसा हाल किया है। देख, अभी तक जो हुआ वो हो गया, आज से ये गुंडागर्दी छोड़कर कोई अच्छा सा काम धंधा करके माता पिता का ख्याल रखना, मेरे बारे में मत सोचना। शिवानंद अलियास शिवा, अंडरवर्ल्ड डॉन शिवा। कर्नाटक के मैप में दूरबीन से देखें तो एक बहुत ही छोटा सा गांव है जहां का तू है, फिर भी तेरा नाम पूरे कर्नाटक में फैल गया है। यहां तक कि बॉर्डर पर भी लोग तेरे नाम से थर्राते हैं। शाबाश, मानना पड़ेगा तेरे को। कानून की ऐसी तैसी करने वाला कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है तू। चलो, तेरा एनकाउंटर ऑर्डर निकल चुका था, लेकिन तू बहुत चालाक निकला, कोर्ट में सरेंडर करके अपने आप को बचा लिया तूने, है ना? पैदा होने और मौत के बीच अगर तूने एक भी अच्छा काम किया
तो मेहरबानी करके मुझे बता सकता है? सर, खून खराबा ही किया है ना, यहां तक कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स तेरे आस पास भी नहीं फटक सके। सही कह रहा हूं ना मैं? उस गांव में रहता है शिवा नाम का एक लड़का और पुलिस उसे बेसब्री से ढूंढ रही है। ये उसकी बदनसीबी है। अगर सच कहा जाए तो यहाँ की राजनीति ही वो वजह है जिसकी वजह से शिवा और उसके छोटे भाई शेखर की जिंदगी बदल गई है। ऐसे भी क्या जल्दी थी, आराम से नहीं आ सकता था क्या? अरे मैं तो आराम से ही आ रहा था, सडनली तुमने ब्रेक मारा तो मैं क्या करूँ? अरे रोड ठीक नहीं है, गड्ढे ज्यादा हैं। मेरी गाड़ी को ठोक दिया, ऊपर से रोप भी दिखा रहा है। तो क्या कर लेगा? मैं कौन हूँ जानता है? क्या हुआ भाई? मैं तुम्हारे ही गांव में गणेश फंक्शन में आ रहा था, ये आदमी मेरी गाड़ी ठोकने के बाद मुझ पर ही रोप दिखा रहा है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या करूं। ए, तुझमें दिमाग नहीं है क्या? ये कौन है जानता है तू? MLA है। तो क्या हुआ, मैं कौन हूँ ये जानते हो? 400 वाइन शॉप का ओनर हूँ, जानता नहीं है मुझे? ए, छोड़ दो उसे। अरे रे, ऐसे मत मारो इसे, रुको रुको। अरे ऐसी पिटाई से तो वो मर जाएगा, छोड़ दो उसे। ए, क्या कर रहे हो, छोड़ दो। अरे वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, समझाओ ना उसे। अरे भाई आ रहे, उनको लेके आना। कैसे आई? मूर्ति तो बहुत सुंदर है। जय देव। बहुत भव्य तैयारी है तुम, बहुत बढ़िया। अब तुम लोग पूजा करो, मैं चलता हूँ, ठीक है? बचाओ मेरे कृष्णा, तुम पे भरोसा है। बचाओ कृष्णा कृष्णा। भ्राता नकुल, क्या हुआ, क्यों चिंतित हो? क्या हुआ मेरे छोटे भ्राता? हाँ, वो दुर्योधन हमारे बड़े भाई के रिश्तेदार है। मेरे भ्राता, मेरा विश्वास करो, मेरी बात पे यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। ये क्या कह रहे हो भाई? धृतराष्ट्र ने 100 लोगों को जन्म दिया है, उसके अलावा उसके पास और भी सैन्य है। अरे अब तक कहाँ थे तू? हंस हंस कर पेट दुख रहा है, पता है तुझे? वो सब छोड़, अब मेरा हीरो आएगा, फिर देखना क्या होता है। क्या चाहते हो तुम? बिना शक्ति प्रदर्शन किए तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, अभी तुम में इतना साहस नहीं है। जिस क्षण तुमने परम पतिव्रता का अपमान किया, उसी क्षण तुम्हारे सारे पुण्य समाप्त हो गए और तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया। उठाओ अपना गांडीव धनुष, जो तुम्हें भगवान शिव ने स्वयं दिया था, पशुपति अस्त्र। भगवान शिव को तुमने कैसे प्रसन्न किया तनिक मैं भी तो जानूं। लगता है शिव पर तुमने विजय पाई है, यह अहंकार तुम्हें मिट्टी में मिलाकर छोड़ेगा। दुराचारी, इसे उसे मारकर अपने अहंकार में डूबे हुए हो मूर्ख। तीरों के समूह से मत्स्य लोचन को भेदा है मैंने, रणांगण में लड़ने वाले इस अर्जुन की शक्ति को तुम भला क्या जानोगे? सब लोग देख रहे हैं। तो विलंब किस बात का है, इस युद्ध भूमि में अपनी शक्ति दिखाओ। समर शेष है, दिखाओ अपनी शक्ति। अरे ये क्या हो गया, बिजली कैसे चली गई? अरे अरे शिवा, चेयरमैन साहब आ गए। जनरेटर चलाओ भाई। अरे यार सुनो, जल्दी से उन्हें हार पहनाओ। ये क्या हो गया? ए चेयरमैन साहब को हार पहनाओ। पता नहीं कुछ गड़बड़ है। एकनाथ की याद तुम लोगों को अब जाकर आई है। MLA का सपोर्ट मिला है इसलिए तुम लोग इतना उड़ रहे हो। हे, देख लूंगा तुम लोगों की चर्बी मैं उतार दूंगा।
तुम सबकी तो ऐसी हालत कर दूंगा कि बस बैठे रहोगे। हम नहीं बैठने वाले, हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। क्या करोगे? हमारे चेयरमैन को गुस्सा मत दिलाओ। अरे पर क्या किया है जरा हमें भी तो बताओ। चुप बैठ, इस गांव के लिए हमारे भाई ने बहुत कुछ किया है। जरा एक भी बताएंगे क्या आप? रोड, स्कूल, बिजली, हॉस्पिटल, मंदिर, आखिर क्या बनवाया है इन्होंने, बताइए। अपने गांव के किसानों के लिए आपने क्या किया है? आपके रहते हुए इस गांव में किसान कर्ज से मर रहे हैं। आपने तो पालकी यात्रा भी बंद करवा दी। इस गांव का एमपी कोटा से लेकर ग्राम पंचायत तक मिलने वाला सारा पैसा तुम खा जाते हो और सरकार के सामने झूठा नाटक करते हो। इस बार इलेक्शन में वोटिंग करके हम शिवा को ही अध्यक्ष बनाएंगे। ए क्या रे, हमारी जमीन में काम करके हमें ही टक्कर दे रहा है। इस गांव के सभी लोग सपोर्ट करते हैं तो ये इलेक्शन में मैं जरूर खड़ा होऊंगा। जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ लो। पब्लिक का सपोर्ट है तो तुम उड़ रहे हो। ये अंधेरा है ना, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। हाँ। देख लूंगा। क्या है ये? अगर मैं एक दिन के लिए भी बाहर रहूं तो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। देखो शिवा, शेखर मिलिट्री में जाएगा, तुम ईंट भट्टे का व्यापार शुरू करो। ये चुनाव और नेतागिरी ये हमारे लिए नहीं है। पापा, ये फैसला मेरा नहीं है, सारे गांव के लोगों ने ये फैसला किया है। ठीक कह रहे हो, लेकिन उस चेयरमैन को तुम नहीं जानते, वो लोग शरीफ नहीं है, बदमाश लोग हैं। अरे पापा, ऐसा सोचेंगे तो ये गांव आगे कैसे बढ़ेगा? आने वाले कल का भविष्य तो यूथ ही है, बुजुर्गों की कहानी तो खत्म है। जब नई पीढ़ी आएगी तो पुरानी पीढ़ी को हटना पड़ेगा। ऊपर से शिवा भाई ने वादा किया है और वो वादा तो तोड़ते नहीं है, आपको भी पता है। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसमें कदम रखना समुद्र की लहरों को पार करने जैसा है। माँ, अगर ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। देखो बेटा, तुम्हारी सोच मेरी समझ से बाहर है। तुम लोगों को जो करना है वो करो, मैं भी जाकर चेयरमैन से मिलकर आता हूँ। ठीक है जी। गांव के बच्चे हैं, उनमें जोश है, ये तो आप भी जानते हैं। अगर वो इस गांव के विकास के बारे में सोचते हैं तो गलत क्या है? इलेक्शन लड़ने का काम कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए उम्र और अनुभव दोनों जरूरी होता है। आज के बच्चों की भावनाओं को अगर हम नहीं समझ पाए तो बेवकूफ हम ही कहलाएंगे। इसमें अहंकार नहीं है और ना ही कोई नाराजगी की बात है। सपने देखने की उम्र है उनकी, देश के सभी युवा तरक्की करना चाहते हैं। अब अगर वो बच्चे देश को चलाना चाहते हैं तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। पैर खींचना गलत है। पैर नहीं खींचे तो क्या करें, अपने सिर पर बिठाए और उनके आगे झुक जाए। ये कमीने आकर हमको समझा रहे हैं। ए कमीने, हम लोग नहीं, तुम लोग हो। तुम्हारा घर, खेती, ये सब कुछ हमारी वजह से ही है, जानते हो ना तुम। तुम्हारे बुरे समय में जब तुम पानी के लिए भी मोहताज थे तब हम ही लोगों ने तुम्हारा साथ दिया। मुंह बंद करो। तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे बीवी बच्चे को तुमने पाला है, यही कहते फिरोगे? तुम अपनी औकात में रहो। हे चेयरमैन, अपनी जबान को लगाम दे वरना क्या होगा तुझे पता नहीं। ए, बड़ों के सामने ऐसे बोल रहा है, चल बाहर निकल। बाहर निकल। चेयरमैन साहब, हमारे बीच में झगड़ा किस लिए? इस गांव में जो चार सीटें हैं उसमें से हम लोग दो दो सीटें लेकर इलेक्शन के पैसे बचाकर उसे गांव की भलाई में लगा सकते हैं। हे सुमंत, पैर पकड़ना तो क्या, पैर धोकर पिएगा तो भी ये मुमकिन नहीं है। मैं अब भी चेयरमैन हूँ और कल भी मैं ही रहूंगा। गलत फहमी में जी रहे हैं आप। जब जनता का विश्वास नेता पर से उठ जाता है ना तो सत्ता बदलते देर नहीं लगती। चल जाए यहाँ से। खून पीकर जीने वालों के वंश से हूँ, हम नहीं मरेंगे, तुम लोग मरोगे सब। बोलो उसे लड़ने के लिए इलेक्शन, खून पी जाऊंगा मैं उसका। हमारे साथ मारम्मा देवी हैं, जो होगा हम भी देख लेंगे। चल निकल। ब्रदर, जाना जरूरी है क्या? देख, मिलिट्री में जाने का तेरा बचपन से ही सपना है ना, तो इलेक्शन के झंझट में पड़कर तू उसे खराब मत कर। ब्रदर सोच के देख। अब ज्यादा मत बोल, चल अब तेरी बस आ गई है, चल निकल और संभाल के जा, समझा? और अपना ख्याल रखना। हाँ, और फोन करते रहना, ठीक है? चल।
अरे ब्रदर, मिलिट्री का सिलेक्शन हर साल एक बार आता है, लेकिन इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है। मैं यहाँ पर रहूंगा तो तुम्हारे काम आऊंगा भाई। अबे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वो भी पंचायत का, पीएम के इलेक्शन के लिए नहीं। पहले तेरा मिलिट्री सिलेक्शन, उसको पूरा कर गया। चल चल अब निकल निकल। ब्रदर तुम भी, और बेटा अपना फोन करते रहना, अपना ख्याल रखना। शिवा भाई, शिवा भाई, वो क्यों? कविता क्या हुआ? वो वहाँ पर लक्ष्मी। ठीक है बैठो। ये हमारी मान मर्यादा का सवाल है। हाँ, अगर उन लोगों ने पालकी निकाली तो हम उनकी जान ले लेंगे। ए, चल रहे। ये क्या भाई, जिसे पैरों के नीचे रखना है उसे कुर्सी पर बिठा रहे हैं? क्या मैं आपको नजर नहीं आ रहा? दूसरे के बच्चे को कुएं में फेंक कर हमें मजा लेना है, हमें खुद कुएं में नहीं कूदना है। पहले ये सीखो। राजनीति समझने में वक्त लगेगा, चलो जाओ। ए, कौन है ऋषिवा बता? हमारे चेयरमैन से पंगा लेगा क्या? ए, कौन है ऋषिवा? है? ये है बेटेंगरी। बेटेंगरी आने का एक ही रास्ता है। तुम जैसे लोग यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ से जा नहीं सकते। शिवा के आने से पहले निकल जाओ, देखता हूँ कौन पालकी को रोकता है। चल निकल, निकल यहाँ से। जब तक मैं हूँ ये मेला जरूर लगेगा। छोड़ो बोतल मेरी, ये गली मेरी, भगवान तेरा और ये पालकी तेरी। अगर चाहते हो कि यहाँ भगवान का अपमान ना हो तो पीछे ले लो पालकी। पीछे चले जा, चल जा। हम छोड़ेंगे नहीं तुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। शिवा, पूजा में विघ्न डालना चाहते हैं ये लोग। पूरी तैयारी के साथ आए हैं ये सब। अगर हम ऐसे ही झगड़ा करते रहे तो भगवान मंदिर नहीं पहुंचेंगे और हम लोग घर नहीं जा पाएंगे। ये वक्त नहीं है झगड़ा करने का, पालकी पीछे ले लो। पापा लेकिन वो हम जानते हैं ये अपमान है। छिपकली शरीर पर गिरे तो नहा कर दोष दूर करते हैं, लेकिन भगवान का अपमान हम सब सहन नहीं कर सकते। पूजा होने के बाद इसका फैसला हो जाएगा। अभी इस वक्त चलो यहाँ से। शेखर चलो, चलो दीपाल, पीछे हो जाओ, चलो। इस गांव में मेला और देवी यात्रा 30 साल से बंद है, जिसे शिवा ने फिर से शुरू किया है। यात्रा पूरी नहीं हुई, उल्टे अपमान हुआ है, जिस कारण देवी क्रोधित हैं। अब हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। पंडित जी, आप चुप रहेंगे तो कैसे चलेगा? इसका उपाय क्या है, सब लोगों को बताइए। देखिए, जिस किसी ने भी इस मेले को रोका है, अगर उसने माफी मांग ली और अपनी गलती का वो प्रायश्चित करता है, तब जाकर भगवान का गुस्सा शांत होगा। तो ठीक है पंडित जी, मैं जाकर मंडी नागा को ले आता हूँ। भाई तू रुक, मैं जाकर लेकर आता हूँ, चल मेरे साथ। अरे कहीं ये मारा ना जाए। आने दो उन्हें, उनकी समाधि बना दूंगा यहीं पर। शेखर तुम रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। नागा भाई, शिवा भाई ने आपको बुलाया, चलो जल्दी। क्यों चलो भाई,
उसकी इतनी औकात कि मुझे बुलाएगा? नहीं जाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। यहाँ पर चिल्ला के कोई फायदा नहीं है, वहाँ चलिए शांति से बात करते हैं। नहीं जाऊंगा। नहीं आओगे तो उठा कर ले जाएंगे तुम्हें। तेरी इतनी हिम्मत, उठा कर ले जाएगा, उठा कर ले जाएगा मुझे। उठा के ले जाने आया था मुझे, उठा के। रुक तो भाई, कुछ लोग तो चाकू से मारने के बाद भी नहीं मरते, ये इतना मोटा होने के बाद भी एक फाइट में मर गया, ये कैसे हो सकता यार? हाँ, ऐसे मरना नामुमकिन है। उन्होंने देवी का अपमान किया था तो देवी ने उन्हें सजा दे दिया, उसके कर्मों का फल उसे मिल गया। शिवा, शेखर, शेखर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज, तुम जैसे बेटों को जन्म देकर आज मेरा जीवन सफल हो गया। एक गांव के लिए और एक देश के लिए। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे मुंह लटकाकर क्यों खड़े हो सब? ये तो खुशी की बात है ना, हमारा शेखर मिलिट्री में सेलेक्ट हो गया है। देखो बेटा, पढ़ लो, पढ़ो तो। पढ़ो ना बेटा। शेखर, शेखर, क्या बात है बेटा, बताओ ना, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ शेखर, अब काहे की मिलिट्री माँ? मैं अब सोल्जर नहीं हूं, खूनी हूं माँ। पता नहीं कौन सा बुरा समय था माँ, मैंने एक ही हाथ उठाया और वो नागा मर गया माँ। भगवान, ये क्या कह रहे हो बेटा? शेखर सच कह रहा है क्या शिवा? बोलो। अरे ऐसा क्यों किया तुमने बेटा? देवी माँ, कल इन्हें हाथों से आरती उतारी थी तेरी, और आज इन्हें हाथों से खून करवा दिया। ऐसा क्यों किया बेटा? तुम्हारी सेवा करने का ये फल दिया है मेरे बेटे को, क्यों किया बेटा ऐसा? क्यों किया तूने ये सब? हे भगवान। शेखर, तू माँ के साथ जा। इलेक्शन में जीतने के बाद मेरी याद नहीं आई, मेला और यात्रा में मुझे याद नहीं किया, अब याद आई है। मैंने उसी दिन कहा था तुमसे, इलेक्शन के पचड़े में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं। अब जब तुम्हारा भाई फंस गया है तो उसे बचाने मेरे पास आए हो। FIR के हिसाब से यह मर्डर सिर्फ 3 लोगों ने नहीं किया, इसमें चौथा आदमी भी है। कौन है भाई वो? वो तुम हो, तुम। खुद चेयरमैन ने फोन किया था, तुम्हारा नाम लिखवाया उसने। वो लोग जो नाटक खेल रहे हैं उसमें आप भी शामिल हैं क्या? ए, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। वैसे बहुत जलते भी हो, ये भी बोला। ए शिवा, फिर क्यों हमें बचाने के लिए आप सोच नहीं रहे हो? ओह, तराजू किस तरफ झुकेगा, फायदा किस तरफ है ये सोच रहे हो? ये सब हमारी जान से बढ़कर है, हमने आपके लिए कितना कुछ किया है। ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, उसके सारे सपने, उसका दिल बस मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, उसे मिलिट्री में जाना ही होगा। मैं जेल जाऊं तो भी चलेगा, आपसे मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई, प्लीज कुछ भी करके मेरे भाई को इस केस से निकाल लो। थोड़ा टाइम दो मुझे। टाइम 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 किस लिए? खोदने के लिए क्या, या फिर उसकी लाश को कंधा देने के लिए? ए शिवा, बस बहुत हो गया, आपके टाइम के लिए हमें झुकना होगा, लेकिन हम लोगों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। सुपर, क्या बोलते हैं, हाँ इसे ही तो राजनीति कहते हैं ना। देखो मैं कह रहा हूँ, पहले रास्ते से उठाते हो, फिर सर पर बिठाते हो, और काम होने के बाद सीधे फेंक देते हो। गद्दार गद्दार गद्दार। हमारा भी टाइम आएगा, ऊपर वाला जरूर देगा, तभी मेरे टाइम में आपको टाइम मिलेगा, ये मेरी जुबान है। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं तभी मैं दिखाऊंगा। अरे टाइम नहीं मिलता क्या? तुम सब लोगों को देख लूंगा। शिवा चला, सुनो तो शिवा, ए शिवा। शेख,
शिवा जिस एमएलए को भगवान समझकर पूजता था उसने उसका साथ नहीं दिया। अंडरवर्ल्ड में अच्छी खासी पैठ बना चुके शिवा के बचपन के दोस्त मोहित ने उसे एक नया रास्ता सुझाया। जिंदगी ना तो आज हमारे गांव में है, न हमारे धर्मों में और न ही छोटे शहरों में। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, महात्मा गांधी बोलकर गए। गांधी जी से इस बात का क्या संबंध है? ऐसे महात्मा की फोटो को पेपर में डालकर उसे बाजार में बेचने वाले हम महान देशभक्त लोग हैं, उसके लिए कौन नहीं झुकेगा बताओ। ये तो सच है। नमस्कार सर। उसे आने के लिए बोलो और इसे भागने के लिए बोलो। मतलब सरेंडर और क्या। शेखर आंखों से आंसू निकालेगा तो तुझे मेरी कसम, तू डरना मत, मैं हूं ना, होशियार रहना। पुलिस वाले को रिश्वत देकर शिवा ने सर झुका लिया और शेखर सरेंडर हो गया। कब तक ऐसा रहेगा शिवा? कितने ही कंपनी ओनर्स, केबल वाले, कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे जमीन के लिटिगेशन करके आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसे ही रहेंगे तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हारी जानकारी के बिना तुम पर केस बनाकर अपस्टैंडिंग का पट्टा लगाकर तुम्हें छुपने को मजबूर कर दिया है। उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। तो अभी क्या करना है? तुम्हें पोजीशन लेनी होगी, जितने भी पेंडिंग काम है सारे पूरे करने होंगे। जब पैसा मिलेगा तब देखेंगे कि क्या करना है। पूर्व चेयरमैन सुरेश बाबू से हटके, एमएलए से हटकर, समाज से हटकर उसकी परिस्थिति के आधार पर शिवा ने एक अलग सीट हासिल की। हेलो, वेंकटेश है ये, बड़े लैंड डेवलपर। मोहित का साथ पाकर पैसों के लालच में शिवा अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। हमारे खिलाफ जुबान चलाता है, एक बार तो क्या 10 बार भी बेल की एप्लीकेशन डालेगा। हर बार मैं कैंसिल करवाता जाऊंगा, इसको बेल नहीं मिलने दूंगा। बेतनगिरी के आसपास की जमीन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म करके पैसे कमाने का धंधा उसने शुरू किया। अब तक तो बहुत सी डील की हैं, लेकिन एक भी मिस नहीं हुई। आपके भी मिस नहीं होगी, ये डील पक्का समझ लो। कैसे लायर हैं आप, एक बेल भी नहीं दिलवा सकते? हम कोशिश कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए ना, सब ठीक हो जाएगा। जो भी करना है जल्दी कीजिए। शेखर को बेल न मिल पाए इसके लिए पूर्व चेयरमैन सुरेश बाबू ने एक लॉयर रखा। शिवा अब बेतनगिरी शिवा के नाम से जाना जाता था। लॉयर ने ऐसी हालत कर दी थी कि शेखर को बेल न मिले और इस बात पर शिवा बहुत गुस्से में था, पर उसके सामने अभी कोई और रास्ता नहीं था। ऐसी परिस्थिति में शिवा को याद आई रेड्डी की। रेड्डी जी, क्या शिवा आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? ऐसा कुछ नहीं है रेड्डी जी, एक प्रॉब्लम है इसलिए। जब प्रॉब्लम आती है तभी मेरी याद आती है क्या? आप बड़े हैं ना, सब कुछ तो जानते हैं, इसलिए आया हूं। फिलहाल ये तो पता चल गया ना। अच्छा बोल, प्रॉब्लम क्या है? राजनीति में सिर्फ एमएलए ही पावरफुल हो ऐसी बात नहीं है। शिवा ने रेड्डी के पास जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। जो बोलूंगा वैसा करो। हाँ ठीक है रेड्डी जी। शिवा के अंडरवर्ल्ड में आने के बाद रेड्डी ने शिवा की बहुत मदद की। रेड्डी की वजह से शिवा का काम आसान होता गया, वो उसके काफी काम का निकला। क्या हुआ लक्ष्मी? शिवा से बात करनी है। वो फैक्ट्री के बारे में क्या सोचा है? कल चला जाऊंगा। भाई लक्ष्मी आई है।
उसे बोल दे शाम को मिलूंगा। ठीक है भाई, मुझे शिवा से एक बार बात अभी कर... नहीं शाम को मिलेगा बोला। प्लीज नहीं प्लीज। मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो गई हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। जिंदगी में हम जो भी सोचते हैं वो कभी नहीं होता है। मेरी लाइफ में भी ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये सब तकदीर है। मेरी लाइफ ऐसी ही है, इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा मैं। तुमने कोई गलती नहीं की है, ये सब परिस्थिति ने करवाया है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। तुम ये सबकी खुशी के लिए कर रहे हो ना? मैं जिस रास्ते पे चल पड़ा हूँ वहां से वापस आने का कोई चांस नहीं। हाँ? अगर मैं वापस आया भी तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हाँ। आज के बाद मुझसे रखी हुई सारी उम्मीदें छोड़कर तुम अपना रास्ता देख लेना। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरा सपना समझकर मुझे भुला देना। चलता हूं। शिवा। तीस सालों तक इस पद में रहने के बाद भी मैंने जितना नहीं कमाया उससे अधिक वो तीन साल में कमा चुका है। इससे पहले कि वो यहाँ आकर तेरे गिरेबान में हाथ डाले और मेरा गला दबाए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उसे 14 साल की सजा हो जाए। हाँ, हाँ 14 साल की सजा। हाँ। ए, तेरा गांव आ गया, चल नीचे उतर। ए, चल उतर। शिवा की तरक्की देखकर सुरेश बाबू का खून और उबाल मारने लगा। शिवा और भड़क उठे और इसी बहाने उसे जेल हो जाए, ऐसा सोचकर सुरेश बाबू को जो नहीं करना चाहिए था उन्होंने वो किया। थू, अरे ये नालायक सुबह सुबह कहाँ आ गया, ले जाओ इसे। ए, ऐसे क्या घूर रहा है, कोई बारात में आया है क्या? चल निकल निकल। है, खड़ा क्या, चल लेके जाओ इसको। बस देखते रहो, शिवा को भी जेल भेजूंगा। चल खड़े हो जा। ए, ठीक से सुन लो, अगर किसी ने इसका साथ दिया तो उसका भी यही हाल होगा। तेरी तो गुंडा बनता है, गुंडागर्दी करेगा, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। संभालो संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा। अरे शेखर मत मारिए इसे। सर मत मारिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मत मारिए मेरे बेटे को, हाथ जोड़ती हूँ आपके। ये तेरी माँ है ना, तेरी माँ ना, क्यों यही बेटा पैदा किया तूने, गुंडा पैदा किया ना? नहीं शिवा, अभी तुम गाड़ी से बाहर मत जाओ, अगर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई तो मदद करो, देखो कैसे मार रहे हैं मेरे बेटे को, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कोई तो मदद करो, मेरी मदद कीजिए।
बचाओ मेरे बेटे को, तो मदद करो, मैं अपनी बहन बैठती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो, देखो कैसे मार रहे हैं मेरे बेटे को, सुरेश बाबू ने अपने लॉयर्स की मदद से ऐसे हालात पैदा कर दिए कि पुलिस वाले शेखर के हाथों में हथकड़ी बांधकर उसे पूरे गांव में घुमाने लगे, जिसकी वजह से शिवा और शेखर के घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। शिवा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। मेरे भाई ने कोई मर्डर नहीं किया था, लेकिन उसे उसमें फंसा दिया। इसके अलावा उसे सजा देकर इस गांव से निकाल देने के बारे में सोच रहे हो? टिट फॉर टैट। अभी तुम्हारे रास्ते के बीच में मैं आया हूं। शिवा को शहर में बढ़ रही हिंसा को देखकर पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। अब भी कुछ क्षेत्रों से हमें छुटपुट हिंसा की खबरें मिल रही। अब देख लीजिए, वो आपके सर पर खड़ा होकर नाच रहा है। अब तो आपको सोचना ही होगा इस कांटे को कैसे हटाना है। अब अगर नहीं सोचा तो सब कुछ खत्म। पुलिस से मिली खबरों के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। 3 दिनों के बाद ही हालात वापस। जी होम मिनिस्टर साहब, उस शिवा का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो एक दिन मेरे लिए ही मुसीबत बन जाएगा। उखाड़ कर फेंक दीजिए इस कांटे को। पूरा बैंगलोर सिटी डर के जी रहा है, आप लोग कुछ क्यों नहीं करते? क्या करें सर, उनके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, उनके पास तो गन की लाइसेंस भी नहीं है। 2 मीटर दूर रहकर छोटे मोटे गुंडे लोग डिपार्टमेंट के पास रहने वाली बुलेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है ये चेक कर लेते हैं, और हम इंश्योरेंस लाइसेंस रहकर भी, उनके सामने रहकर भी, हमारे पास गन होते हुए भी आपके ऑर्डर मिलने तक हम लोगों को वेट करना पड़ता है। बात अब बहुत आगे बढ़ गई है सर, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। बिल्कुल सर, अगर हमने इन्हें ऐसे छोड़ दिया तो हमें ही सफर करना पड़ेगा सर। इस शिवा का कैरेक्टर कैसा है सर? इसका कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, वो अच्छा है या फिर बुरा हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। ऐसा है तो उस लॉयर का मर्डर कैसे हुआ? देखो, ऐसे गुंडागर्दी करने वालों को छूट दे दी तो ये सारे समाज को बर्बाद कर देंगे, ये सारे समाज में आतंक फैला देंगे। उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। गुंडागर्दी करने वालों का एनकाउंटर कर दो, डेड और अलाइव। आई वांट शिवा। सरकार की बुलेट रियल है या फिर डुप्लीकेट, जाके उन्हें बता दो। यस सर। गो अहेड। यस सर। यस सर। यस सर। शिवा, पुलिस वाले अपने लोगों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। क्या सरेंडर? बिल्कुल शिवा, तुम्हारे माँ बाप को पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत टॉर्चर किया है, इसके पहले कि वो हमारे तक पहुंचे तुम्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा। हाँ शिवा, करना ही होगा। ठीक है।
ठीक है रेड्डी साहब, लेकिन मेरे अंदर जाने से पहले शेखर बाहर आना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी खर्चा हो जाए। शेखर की चिंता छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा। जंगली तैयार हो जाओ। हाँ वो आ रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी रेडी हो जाओ, वो आ रहा है। नमस्ते बॉस। क्या बॉस? अपन का नाम जंगली, काला जंगली। अपन आपका बहुत बड़ा फैन है बॉस। जंगली ये देखो और ये भी, आज से आपका सारा काम ये आपका चेला करेगा बॉस। हर काम के लिए तैयार है बॉस। अभी आप रेस्ट करो, खाने के टाइम पे मिल देना भाई, ठीक है ना बॉस? साला नौटंकी करता है। युवा वकील की हत्या के आरोपी शिवा ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अभी अभी हमें खबर मिली है, लॉयर हत्या मामले में बिटंगिरी शिवा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, हत्या के आरोपी शिवा ने सरेंडर कर दिया है। सर मेरा नाम रघुपति भट्ट है। ओके। मेरी कंपनी में एक प्रॉब्लम आ गई है जिसे आपको सॉल्व करना होगा। प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम को मेरा भाई शेखर आकर सॉल्व करेगा, अब जा सकते हैं। वैसे सर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? वो रेड्डी जी आपसे बात कर लेंगे। ओके सर। भाई हाँ। ये बच्चा कौन है? ए, शिवा का भाई शेखर। यहाँ क्यों आया बे? जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, तुम जैसे धोखेबाजों को ठीक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आ जा। क्यों रे? डुप्लीकेट दवा बनाएगा तो? चल इधर, ये ले साइन कर, साइन कर, कर जल्दी। हेलो सर, पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, इस कंपनी को आपने बचा लिया। रेड्डी सर आप ही हैं क्या? नहीं, मैं मोहित हूँ। क्यों? शिवा भाई ने कहा था कि काम होते ही रेड्डी आकर पैसों के बारे में बात करेंगे, इसीलिए। देखो शेखर, सर की रखवाली करेगा कोई और उस सर की कीमत लगाता है कोई और। वो शिवा पागल हो गया है, गांव की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने चला है वो। लेकिन अपनी ज़मीन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब उससे कहता हूँ तो कैलेंडर के डेट्स दिखाने लगता है वो।
तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरी जमीन को किसी ने तार लगाकर घेर लिया है। हालांकि कोर्ट ने फैसला मेरे ही पक्ष में दिया है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कितने ही गुंडों को इस काम पर लगा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। ए, कौन है रे ये? अरे ये शिवा का भाई शेखर है, बहुत खतरनाक है। इस जगह को खाली करने का क्या लोगे? मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा है सिवाय मौत के। तुम्हें मारने के लिए ये गन काफी है, मगर मुझे मारने वाली गन अभी तक बनी नहीं। मगर कोई बात नहीं है, तुम ट्राई मारो। ये लो, ये जमीन किसी की है और कब्जा तुमने किया है, और तुम्हारी वजह से वो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, तुम सोच लो क्या चाहते हो, फैसला कर लो, यहाँ से भागना है या यहाँ मरना है। ए, तू गन दिखा के हमें धमकी देके हमसे जमीन ले लेगा? ए, खड़ा क्या, मार उसे। उठा ली ना गन, हाँ? गन तेरे हाथ में है और मर्द का सीना इधर है, मार, शूट कर मुझे, मारना रे, सोच क्या रहा है? दम है तो गोली मारना, चल मार। ए, काट के फेंक दो उसे। तुमने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? पहले अपना चश्मा उतारो। लो बंद करो। क्यों बाबा? पहले बंद तो करो। आ जाओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? चलो तो। अरे बताओ तो। रेडी? अब खोलो। खोलो ना। अरे कॉन्ग्रेट्स, सुपर्ब है यार। मेरी नहीं है यार, तुम्हारी है। मेरी? हाँ। मगर क्यों यार? माँ आ रही हूँ। शेखर प्रणाम। माँ खुश रहो बेटा। माँ अपने हाथ से चाबी दीजिए। ये लो। ए, ले लो। अरे बेटा लो ना। थैंक्स यार। शेखर अब से इस गाड़ी में घूमेगा। ले लो। ये सब क्या है यार? एक नई डील की है तो ये तुम्हारे बर्थडे के लिए गिफ्ट है। पर मेरा बर्थडे आज नहीं है। अरे यार आज बर्थडे नहीं है तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो होगा ना बर्थडे, आज ही मना लो। ले लो यार, देख क्या रहे हो तुम मुझे। शिवा की जान और उसका जिगर मोहित अब शेखर की जान और उसका जिगर बन गया था। 24 घंटे शेखर और मोहित दोनों साथ में ही रहते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में डील करते थे। शेखर को अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता था और मोहित उसे सब समझाता जा रहा था। जो डील्स पहले शिवा के पास आती थी वो अब शेखर के पास पहुंच रही थी। मोहित और शेखर अपने होने वाले डील्स को बहुत ही हिम्मत और सही तरीके से पूरा कर रहे थे। शेखर धीरे धीरे शिवा की जगह को हथियाने लगा। अंडरवर्ल्ड में शेखर शिवा से आगे बढ़ गया। ये सब जंगली शिवा को बता रहा था। जब शिवा ने ये सारी बातें सुनी, शिवा के सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई। आज क्या स्पेशल है माँ? सब तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। आपके हाथ का खाना है ये। खाओ बेटा। ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। हाँ बोलो शिवा। बे तेरी तो आजकल तुझे चर्बी बहुत ज्यादा चढ़ गई है क्या? तुझ पे भरोसा करके मैंने तुझे सब कुछ दे क्या दिया? मेरे भाई को अच्छा रास्ता दिखाने की बजाय उसे गटर में ढकेल रहा है। शिवा क्या हो गया तुम्हें, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ए,
ज्यादा बोल मत, जेल में आ जा, तुझसे बात करना चाहता हूँ। शिवा, हेलो शिवा। क्या हुआ, क्या हुआ शिवा को? पता नहीं उसे क्या हुआ है, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। हाँ? जेल में मिलने के लिए बुला रहा है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, दोनों मिलकर उसे समझाएंगे। हेलो। हाँ बोलो गुरु। तेरी तो घूर के क्या देख रहा है। ए, क्या चलेला भाई? कुछ खास नहीं, आप तो जानते हो हमारा काम क्या है। एठू। क्या हुआ भाई, दिमाग से पैदल है क्या? अबे भाई का लेवल देख। और तुम किस लेवल में काम कर रहे हो? अबे भाई की इमेज खराब कर दोगे क्या? काम बताइए गुरु। ए, शिवा के शेखर को खत्म कर दे। अगर बोलेगा किसने भेजा तो शिवा का नाम बता देना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। समझिए काम हो गया। ए, चलो उठो, भाई ने काम दिया है। शिवा रे। देखकर नहीं चला सकता क्या? मैं तो देखकर ही चल रहा था, लेकिन तुम लोगों का ध्यान कहाँ था? एक तो ठोंक दिया ऊपर से धमकी देता तो तुम्हें देखते ही शक हो गया था, तुम सब मुझे टारगेट बना रहे हो। तुम्हारी तो बोल किसने भेजा है? जल्दी बोल किसने भेजा है? शिवाने भाई, शिवाने शिवाने भेजा है भाई। शिवाने? हाँ भाई, सच बोल। शिवाने भेजा है भाई, कसम से शिवाने। भाई देख लिया ना, फोन कट कर रहा ना वो। भाई माँ की कसम खा के कहता हूँ, मुझे शिवाने भेजा है भाई। शिवा, माँ, माँ बाहर आओ। क्या बात है, कैसे चिल्ला रहे बेटा? क्या है बेटा? कौन है ये? बोल, बोल जल्दी से। माँ जी, शेखर को मारने के लिए शिवा भाई ने हमें भेजा था। हा? हमें बचा लो माँ जी, बचा लो। देख लिया पापा, आपका सगा बेटा नहीं हूँ ये उसने साबित कर दिया, सौतेला बना दिया मुझको। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मारना चाहता है वो, मुझे मारना चाहता है। शिवा ऐसा नहीं करेगा, आखिर वो तेरा भाई है। जया, तुम शेखर के साथ शिवा के पास जाओ और सच क्या है इसका पता लगा कर आओ। जाओ। ठीक है जी। हेलो। ए मोहित, किधर है तू? 10 मिनट और पहुंच रहे हैं। आते आते वो हंसा सागर होटल से एक वड़ा पाव लेके आना। हाँ लेकर आता हूँ। क्या लेकर आने को कहा? हंसा सागर होटल से वड़ा पाव लाने को कह रहा है। ओ। लेते चलेंगे। हेलो शेखर भाई, जंगली बात कर रहा हूँ। बोल जंगली, तेरी आवाज को कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं भाई, डर लग रहा है। तुम बच गए इसलिए, शिवा भाई ने मोहित भाई को मारने के लिए आदमी भेजा है। शेखर, ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ पर, कौन सा स्पॉट? जेल के पास वाला हंसा सागर होटल, एकदम सच है भाई। ओह शिट। मोहित, कहाँ हो तुम? तुझे मारने का प्लान बनाया है। भगवान, तू जल्दी वहां से निकल, जल्दी। मैं उसकी माँ बोल रही हूँ बेटा, वो हंसा सागर होटल में गया है। ओह शिट।
मोहित, मोहित, मोहित। शेखर, गाड़ी धीरे चलाओ बेटा। मैं शिवा से बात करने जा रही हूँ ना, तो ये सब क्या चल रहा है? ये सब तेरे बेटे का दिमाग है माँ। शिवा का? क्या किया उसने? हाँ? गरीब को खाना खिला दे बाबा, गरीब को खाना खिला दे। बहुत भूखा हूँ भाई, थोड़ा दे दो खाने को। भाई रहे हैं साहब, भाई कुछ देते जाइए, भाई थोड़ा खाने को दे दो। बहुत बारिश हो रही है बेटा, कहाँ जा रहा है? क्या कर सकते हैं? शिवा, मुझे मोहित की दोस्ती की कसम, तेरा खेल मैं ही खत्म करूंगा। आठ। इस तरह बारिश में भीग कर क्यों आया है? कार और छाता नहीं है क्या? क्या है ये? यहां किस लिए लाया है? मोहित ने भेजा है। कहाँ है वो? उसकी श्राद्ध का खाना है ये। क्या बोला? इसी दिन का इंतजार था ना तुझे। खाना खा, खाना खा। मोहित हम लोगों का सच्चा दोस्त था और तूने एक दोस्त की जान ले ली। अब सिर्फ उसकी माँ बची है। बोल, उसको कब मारने वाला है तू? ए, ये डील मुझे दे दे, मैं मार देता हूँ उसको। भाई नहीं, गद्दार है तू। थू। ए, ना तू एक अच्छा बेटा है, ना तू सच्चा दोस्त है, ना तू अच्छा भाई है। क्या कहकर बुलाऊं मैं तुझको? आस्तीन कसाब? चंद रुपयों के लिए अपना जमीन बेच दिया? आदमी नहीं तू, हैवान है, हैवान। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। शिवा, हट, चलो यहाँ से, चलो। शिवा, अब तो तू जिंदा बचेगा या मैं जिंदा बचूंगा। हट, चलो। छोड़ूंगा नहीं तुझे, चलो यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं। शिवा, मोहित कहाँ चला गया? मोहित, किस पर भरोसा करूं मैं? यहाँ हर एक आदमी धोखेबाज है। मेरे सुख दुख में साथ देने वाला मेरा दोस्त था ना तू, अब कौन है मेरा? देखो शेखर, ऐसा मत सोचो, तुम्हारा कोई नहीं है, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान ही उनके लिए दोस्त बनकर आते हैं शेखर। दिलासा दे रहे हो मुझे? मेरा मोहित मर चुका है, वो मुझे वापस नहीं मिल सकता। मैं एक जीती जागती मुर्दा लाश बन गया हूँ। हो सकता है पेशेंट को घर वालों को ब्लड मैच ना हो, तो बाहर वालों की जरूरत पड़ेगी। जो चला गया उसके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हमारे साथ चलो। नमस्ते भाई, नाश्ता रख दिया है। मैं आता हूँ, चल।
चल। शेखर, शेखर क्या हुआ? शेखर हम सबको भूल गया क्या? क्या बात है, कुछ तो बोल। तुम लोग आपस में बांट लो। किस डील के हैं? डील के नहीं है, डील ना करने के हैं। डील ना करने के लिए इतने सारे पैसे? हाँ, देखो आज के बाद मैं ये झगड़ा, मर्डर, खून सब बंद कर दूंगा। इन पैसों से तुम लोग अपनी जिंदगी बना लो यार। तुम सब ने मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक्स। क्या हुआ शेखर, आखिर बात क्या है? ये फैसला तुमने किसी के डर से या दबाव में लिया है क्या? ये मारपीट जिंदगी नहीं है यार, मैं एक दोस्त पहले ही खो चुका हूं, अब तुम लोगों को नहीं खोना चाहता हूं। देखो इस धंधे में रहकर हमारी जिंदगी चैन से गुजर जाएगी, ये सब झूठ है। असल में इस धंधे के अंदर एक बार जो घुस गया वो कभी नहीं निकल सकता। छोड़ दो ये धंधा, छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। इस गुंडागर्दी में कुछ नहीं रखा है, जीने के और भी बहुत रास्ते हैं। तो फिर तुम? मेरे बारे में मत सोचो, अभी सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम्हारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, जरा सोचो। जब से इस धंधे में तुम सब घुसे हो, एक भी दिन चैन से सोए हो क्या? हाँ ठीक है शेखर, अगर तुम हमारे बारे में इतना सोचते हो तो हम वही करेंगे जैसा तुम चाहते हो। आज के बाद भले ही हमें कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। ठीक है शेखर, अपना ख्याल रखना। चलते हैं शेखर। हाँ चलते हैं भाई, भी चल रहे हैं भाई। ठीक है चलो चलते हैं। भाई जब जेल की सिक्योरिटी में तुम्हारा ये हाल है तो बाहर जाके क्या होगा? ए, तुम लोग मुझे डरा रहे हो या खुद डर रहे हो? इस जंगली को डर? भाई शेर का बेटा हो, किसी कुत्ते का नहीं। मुंह बंद कर अपना। सिर्फ आग लगाता रहता है। अबे तेरा जो कैरेक्टर है ना वो मैं अब तक समझ नहीं पाया। मट्टू को फोन कर। बाहर जाएंगे क्या भाई? यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ही पता चलेगा कि नामकरण करने वाला मेरा बाप था या फिर कोई और बेवकूफ। जल्दी फोन कर। बाय। वो तो अपना कॉल कट कर रहा है।
ए राजकुमार, तुम्हें ये बात पता चली? रेड्डी तुम्हारे गांव के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। खड़ा होने से क्या होता है, जनता का सपोर्ट जिसके पास होगा जीतेगा तो वही। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बोलिए ना रेड्डी जी। अगर कोर्ट में गया तो 10-15 साल, लेकिन शिवा इसे 10-15 दिनों में ही निपटा देगा, यह सोचकर तुम्हारे पास आते हैं। मर्द अगर औरत की सुरक्षा ना कर सके तो औरत किसी और के पास चली जाती है, मगर तुम्हारा भाई ऐसे लोगों को रुआब दिखा रहा है जिनकी कोई औकात नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हारा नाम खराब होगा शिवा, सोच लो। एक काम कीजिए रेड्डी जी, एक बार आप उसे समझाइए। कोशिश करूंगा, चलता हूं मैं। तौफीक। सलाम रेड्डी भाई। शेखर अपना ही आदमी है, जरा समझा दो उसे। छोटी मछली को चारा बनाओगे तो बड़ी मछली अपने आप फंसेगी भाई, तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा भाई। ए जमीर। चल। क्या ये? चल लगा शेखर को फोन। ए, क्या देख रहे हो रे? काट दो इसके हाथ पैर। आप निकलिए सर। मुझे मारेगा। मुझे मत मारो, मुझे रेड्डी ने कहा था, मुझे छोड़ दो शेखर, मुझे छोड़ दो। शिवा भाई, वो जो रेड्डी है ना, वो कुएं में नहा रहा था, शेखर ने जाके उसको खलास कर दिया, अभी पता चला है भाई। अबे खड़े क्या हो, आओ ना, हार पहनाओ भाई को, हार पहनाओ। अबे देख के रहे हो, आओ ना। शिवा भाई की जय। शिवा भाई की जय। शिवा भाई की जय।
भाई को हार पहनाओ। अरे भाई को हार बना। सेल में सेलफोन देकर और बेड पर कॉफी देकर इसने मेरी सेवा की है, इसलिए हार इसे पहनाओ। चलो चलते हैं। अरे रहने दो ना भाई। अरे अपन क्या है, बस ऑटो रिक्शा में चला जाएगा ना। ए कहाँ जाएगा, मेरे लोगों ने प्यार से तेरे लिए कार लाई है, चल एक लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं। भाई लोग ये देखने की चीज नहीं है। अरे मुंह उधर घुमाओ ना भाई, ऐसा राउंड बना के सब लोग खड़े ले तो मैं कैसा करूंगा भाई। ऐसे ही रख ले, जब तुझे भेजने वाले का मुंह सूखेगा तो उसे पिला सकता है। भाई भाई अपन को कौन भेजेगा भाई, अपन तो खुद आया ना भाई। मत मारो भाई, वो सब चेयरमैन और राजप्पा ने किया है भाई, मैं सच बोल रहा भाई। मतलब इन सब के पीछे जिम्मेदार वो चेयरमैन और वो एमएलए राजप्पा है। हाँ शिवा भाई, मुझे छोड़ दो भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दोगे ना भाई? भाई मुझे छोड़ दो। उस चेयरमैन को फोन कर और यहाँ आने के लिए बोल। हेलो सर, मैं जंगली बोल रहा हूँ, अपन जेल से भाग गया है। ए, ए, जंगली, शिवा को मार दिया ना? अरे भाई वो सब फोन पे नहीं बता सकते अपन। कहाँ है तू? भाई वो तुमकर रोड टोल गेट के पास आ जाओ ना। हाँ। ये ले चल खा, खा इसे। बॉस अपन को छोड़ दो, अपन को छोड़ दो बॉस, चेयरमैन आ रहे ना भाई। कहाँ गया ये राजप्पा? मुझे छोड़ दो बॉस, मुझे छोड़ दो। ठीक है छोड़ देता हूँ, इस गन में सिर्फ एक ही बुलेट है, या तो तुझे या उस चेयरमैन को, तू ही डिसाइड कर। वो चेयरमैन ही फोन कर रहा होगा, रिसीव कर। कहाँ है तू? सर अरे आप दिख नहीं रहे सर। हाँ? मैं आपको दिख रहा हूँ क्या? अरे सर दिखा क्या मैं आपको? अरे सर इधर इधर। हाँ? अरे कार को उधर ही छोड़ दो। हाँ, हाँ, हाँ। रोड किस तरफ आ जाओ, सीधा आ जाओ, सीधा सीधा। बांध दो इसको गोली में। अपन को छोड़ दो बॉस, अपन को छोड़ दो, अपन ने कुछ नहीं किया। अपन सच बोल रहा बॉस, सच बोल रहा बॉस, कसम झूठ नहीं बोल रहा, अपन को छोड़ दो बॉस। अरे क्यों मार रहे हो रे बॉस, अरे क्या कर रहे हो ये?
मिस नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो तेरा गेम बचाऊंगा। सम्राट होटल? नहीं, वो बैंगलोर का सबसे बड़ा होटल है। भाई एक काम करेंगे, मदलेश का रूम? वो फैमिली को लेकर घूमने वाली जगह है, सब लोग डर जाएंगे। भाई वो सर्कल के पास? भाई यशवंतपुर के ब्रिज के पास? तेरी बजाऊं क्या? तो फिर कहां मारे भाई? वो सम्राट होटल पार कर चुका है। भाई यशवंतपुर। इस तरह अचानक क्यों ब्रेक मारा? सर लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है। अरे रे रे, ये क्या हो गया? अरे वो तो शिवा है। ओके शिवा, तुम्हारी कहानी सुनकर मैं भी इमोशनल हो गया, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर हर कोई तुम्हारी तरह करने लगेगा तो इस धरती पर जीने के लिए इंसान तो छोड़ो, जानवर भी नहीं बचेगा। ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। शेखर भाई, शिवा को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है।
ऐसी कहानी मर्डर से शुरू होकर एनकाउंटर में खत्म होती है। शिवा के एनकाउंटर की वजह से शेखर ने खुद को बदल लिया। अब आगे उसने क्या सोचा है ये हम बाद में देखेंगे।